सेंटर बोर्ड की एग्जाम पास करके हम लोग आए हैं। अच्छा, 2010 में तो सरकार से पैसा आ रहा आपको? नहीं, कुछ नहीं आता सर, पैसे कुछ नहीं आता। एग्जाम किस चीज का फिर हुआ? एग्जाम दौड़ का हुआ, मेडिकल हुआ, सारी चीज सुविधाएं हुई। मेडिकल रेलवे बोर्ड द्वारा, सेंटर द्वारा हमारे को, हम लोगों का चयन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता, हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और इस कलर को आप पहचानते होंगे क्योंकि इस कलर में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था पुली। तो पुली को अमिताभ बच्चन ने सपोर्ट किया था और आज इनके साथ हम खड़े हुए हैं। 1 मई का दिन है, मजदूर दिवस के नाम से 1 मई जाना जाता है और आज हम इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से देश में विकास बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या इनके आमदनी का जरिया भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? एक दिन की जो कमाई है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, जिस प्रकार से देश बढ़ रहा है? तो भाई साहब, किस प्रकार से आपकी दैनिक दिनचर्या में कमाई में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं सर, बहुत दयनीय स्थिति है, यहाँ धंधा कुछ रह नहीं गया है। स्लोप हो गए, सारी सुविधाएं हो गए, फैसिलिटी वगैरह हैं, ट्रॉली बैग हैं, जैसे पहले मिलता थे बाड़े, अब कुछ नहीं मिलता है। भले महंगाई हो रही है लेकिन इसके हमारे रहने के, खाने पीने के जरिए जो है बहुत पेट चलाना मुश्किल हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारी सुविधाएं, बाल बच्चे सब सारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं। महंगाई जरूर बढ़ रही पर हमारे काम में कोई इजाफा नहीं हो रहा है। भाई साहब कुछ कह रहे हो आप? हम आप भी कह रहे हैं जी, कुली हैं आप भी? मैं सूरत में रहता हूँ। अच्छा, सूरत में कुली हैं आप जी? महंगाई तो बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। हमारी सरकार कर क्या रही है? हम लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, अगर हमको यहाँ व्यवस्था मिले तो हम लोग क्यों बाहर जाएं? हम लोग यहाँ कर सकते हैं ना, वही अपने क्षेत्र, अपने गाँव में, अपने गाँव का विकास करें, अपने घर का विकास करें। और आइए भाइयों से पूछें, कैसा चल रहा है आपका घर? सर एक भी सही नहीं है सर, यहाँ घर चलाना मुश्किल है इस कमाई से। अगर हम यही कमाई के आश्रित में रहे तो भूखे मर जाएंगे। यानी जो भी कमाई थी आज के डेट में एक्सीलेटर और ट्रॉली बैग और से कई सुविधाएं जो चल गई, उसके कारण से आज घर चलाना बहुत ही दयनीय स्थिति है सर। हमारी रोजी रोटी बहुत कमजोर है। हम प्रधानमंत्री जी से यही आशा करते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचे, जैसे सबका साथ सबका विकास कहते हैं, उस तरह में हमारा भी कुछ विकास हो। बिल्कुल, जिस प्रकार से लाडली बहना योजना चलाई गई है, वैसे कुलियों की जो समस्याएं इन्होंने जो बताई है कि ट्रॉली बैग हो गया, दुनिया की तमाम तरह की सुविधाएं जो है आजकल इंसान कुली को प्रेफर ही नहीं करता है। ट्रॉली बैग में कपड़े भरा और घसीटता हुआ चला गया आधुनिक युग में। और भाई साहब एक बाबूजी हैं। अच्छा भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? दिन भर उधर बोनी नहीं होती हम लोगों की। अच्छा, आते हैं 12-12 घंटा रह के चले जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता कि 1 रुपया जेब में नहीं आता है। घर के बाल बच्चे कैसे चलाए, आदमी कैसे परिवार अपना चला पाए, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक उम्र के लोग हैं, हमारे साथ एक बाबूजी हैं और इस उम्र में वो कुली का काम कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जो इनकी घर की व्यवस्थाएं हैं, जो इनकी आर्थिक स्थिति है, उस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाबूजी कितने साल हो गए काम करते हुए कुली का? हमको तो 40 साल हो गए। 40 साल हो गए और आज जिस प्रकार आप काम कर रहे हैं, क्या जिस प्रकार से 40 साल में महंगाई बढ़ी है उसी तरह आपकी आमदनी बढ़ी है क्या? और घट गई सर। और घट गई है आज के महंगाई के अनुसार और घट गई। ये देखिए सच्चाई जो है अब निकल के आ रही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई घटती जा रही है। आधार कार्ड की जगह अब उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है ना। अब क्रेडिट कार्ड जिस प्रकार से लोगों को बांटे जा रहे हैं उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश में अब बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ रही है। और क्या कहना चाहेंगे आप, किस प्रकार से घर चल रहा है आपका? भोजन चल रहा है, आप किस विधान से बताएं? जैसा चला वैसा चलाना पड़ता है, दिन भर में एक आठ तो भोजन मिल जाए उसी में अपना पेट भरना पड़ता है। सही बात है, क्योंकि आपकी उम्र भी हो गई है तो अब ज्यादा बोझ उठाया भी नहीं जाता होगा। उठाया भी नहीं जाता, कोई पूछता भी नहीं, ट्राली बैग एक के ऊपर एक लाद के चल लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और भाई साहब आइए, आप तो एक नए अंदाज में है, मस्त पगड़ी उगड़ी लगाए। क्या नाम है आपका? दुर्गेश बंसकर। दुर्गेश जी, किस प्रकार से आज जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, मजदूर दिवस है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी यूनियन के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज आज के इस दिवस के बारे में? क्या बताएं, हम लोगों का तो कुछ वही नहीं है, काम धाम चलता ही नहीं है, हो गया आशा लगा के आते हैं, जो भी मिला अपना वैसे में पेट पालते हैं। इसके अलावा भी और कोई काम करते हैं कि केवल यही काम करते हैं? अब इसके अलावा कोई समय नहीं मिलता तो करें क्या? जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आमदनी नहीं हो रही है तो और भी कमाई की जरिए हैं तो उन्हें भी शुरू किए जा सकते हैं, तो क्या अभी जिस प्रकार से समय नहीं मिलता तो क्या कर रहे हैं जी?
समय नहीं मिल पाता तब क्या करें उसमें। स्टेशन में आना जरूरी हो जाता है, स्टेशन में आना जरूरी होता है, हाजिरी वगैरह होती है सर। अगर हम 15 दिन नहीं आएंगे तो हमको बाहर कर दिया जाएगा ना। अच्छा ऐसा भी है, ऐसा होता है। आइए आइए, भाई साहब है हमारे साथ। जी मैं ओम प्रकाश योगी, आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कुलियों के जो बच्चे हैं, मतलब कोई चीज़ की व्यवस्था नहीं है जिससे बच्चा आगे बढ़ सके या कुली अपना राशन चला सके, कोई व्यवस्था नहीं है। छोटा मोटा धंधा मिलता है उससे आदमी का पेट भर नहीं हो रहा, पढ़ाई लिखाई हमारी बिल्कुल जीरो है। जो मजदूर आदमी के बच्चे अगर पढ़े लिखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे भैया? अब ये चीज़ तो आप सरकार को बतवाइए। सरकार को हम लेटर देते हैं, हमारे लेटर तब जाते हैं। आज तक सरकार ने कुलियों के बीच में आके ये नहीं बोला कि भाई कुलियों की समस्या है क्या। आदमी देखता है अरे पैसा कमा रहे हो, अरे ग्रुप डी का जो दर्जा देना था तो उसको दे दीजिए, वो भी खत्म हो गया। आदमी क्या पड़ेगा बताइए साहब? कुलियों को सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मिल रहे हैं? कोई बेनिफिट नहीं सर। जिस प्रकार से एक भाई साहब ने बोला कि अगर यहाँ नहीं आएंगे तो हमारी हाजिरी कट जाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आदमी जब नहीं आएगा भाई प्रेजेंट तो होनी पड़ेगी भाई, गवर्नमेंट से है। आदमी सोचता है रेलवे गवर्नमेंट के कुली हैं या फिर अपने? अरे गवर्नमेंट से जी। अच्छा अच्छा, हाँ प्राइवेट कुली थोड़ी है अभी गवर्नमेंट। अच्छा एग्जाम दिया है सेंटर बोर्ड की, एग्जाम पास करके हम लोग आए हैं। अच्छा 2010 में। सरकार से पैसा आ रहा आपको? नहीं कुछ नहीं आता सर, पैसे कुछ नहीं। एग्जाम किस चीज का फिर हुआ? एग्जाम दौड़ का हुआ, मेडिकल हुआ, सारी चीज सुविधाएं हुई। मेडिकल रेलवे बोर्ड द्वारा सेंटर द्वारा हमारों को, हम लोगों का चयन हुआ है। इसके आधार पे हम लोग लालच में लगे हुए हैं कि डी ग्रुप पे दर्जा मिलेगा कोई फैसला। हमने बहुत सारी कोशिश की पर हम कोशिश में कोई खड़े नहीं उतरे सर। इसलिए रेल मंत्री जी से, महोदय जी से कहने का आधार ये है कि हमारे लिए भी कुछ सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।